दोस्तों, अगर आप एक इजिप्ट की हॉलीडे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे दोस्तों कि जब आप एक इजिप्ट की हॉलीडे में जाएंगे तो वहां पे कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस टू विजिट है, उन जगहों पे आप कैसे पहुंच सकते हैं, जब आप उस जगहों पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे रहेंगे कहां, दोस्तों बेस्ट टाइम टू विजिट कौन सा है इजिप्ट में ट्रैवल करने के लिए, और इजिप्ट हॉलीडे की एक अप्रोक्सीमेट टूर कॉस्ट क्या होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, जब आप वहां पे ट्रैवल करेंगे तो हम लोग एक आइटनरी भी डिस्कस करेंगे डे वाइज, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस दिन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। लावा कांजा ट्रैवल के आज के इस वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भारतीय ट्रैवलर्स जो ट्रैवल करते हैं, भारतीय पर्यटक जब ट्रैवल करते हैं, सो उनकी एक ड्यूरेशन जो होती है हॉलीडे की, वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है। हम लोगों ने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि जब ज्यादातर भारतीय ट्रैवल करते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में ट्रैवल करें, उनकी ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 7 दिन के आसपास ही होती है, और यही इजिप्ट हॉलीडे के लिए भी वैलिड है। दोस्तों, ज्यादातर भारतीय पर्यटक इजिप्ट में 1 हफ्ते की आइटनरी लेना पसंद करते हैं। 1 हफ्ता दोस्तों काफी नहीं है इजिप्ट में सारी जगहों को कवर करने के लिए, बट हम लोग उस बात को डिस्कस करेंगे कि जहां सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटकों को जाना पसंद है। भारतीय पर्यटक जिन जगहों में इजिप्ट में जाते हैं, उनमें से ये 4 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला है कायरो जो कि कैपिटल है इजिप्ट का। दूसरा है गीजा जो कि कुछ ही दूरी पे है कायरो से, जैसे कि दिल्ली और नोएडा, जैसे मुंबई और नवी मुंबई। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है लक्सर। के बाद 4th जगह जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है असवान। अगर आपके पास में ज्यादा वक्त है, कुछ भारतीय पर्यटक हुरगादा भी ट्रैवल करते हैं, कुछ भारतीय पर्यटक जो है वो शर्मल शेख भी ट्रैवल करते हैं, और दोस्तों अगर आपके पास में वक्त है, यू कैन ऑल्सो विजिट एंशियंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। हम लोग आज के इस वीडियो में फोकस जो है वो सिर्फ कायरो, गीजा, लक्सर और असवान पे ही रखेंगे। इससे पहले कि हम लोग इस बात पे शुरुआत करें दोस्तों कि इन टॉप प्लेसेस पे आप पहुंचेंगे कैसे, और जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आप वहां पे रहेंगे कहां, हमें यह समझना जरूरी है कि इजिप्ट का मैप कैसा है। इजिप्ट का मैप अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसमें सबसे टॉप पे आपको दिखेगा कायरो और गीजा। उसके साथ में कायरो गीजा एक ट्विन सिटी कह सकते हैं हम लोग, दोनों सिटीज के बीच का डिस्टेंस करीब 1 घंटे का है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि दिल्ली और नोएडा या फिर मुंबई और नवी मुंबई। इसके बाद जब आप नीचे देखेंगे टुवर्ड्स द साउथ, ये हमारा सबसे दूसरा डेस्टिनेशन आता है, वो है लक्सर। लक्सर के बाद अगर आप और फर्दर साउथ देखेंगे तो हमें दिखता है असवान। इंपॉर्टेंट चीज ये नोटिस करने की है दोस्तों कि ये तीनों सिटीज, इनफैक्ट चारों सिटीज जो है नाइल रिवर के आसपास एक ही लाइन में मौजूद है, और ये चारों ही टॉप अट्रैक्शंस हैं जहां सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक जाना पसंद करते हैं। कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, ज्यादातर ट्रांसगल्फ एयरलाइंस जो है, जैसे एमिरेट्स है या एतिहाद एयरवेज है या कतर एयरवेज है, ये सारी आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भारत के कई शहरों से ऑफर करते हैं। फर्ज करिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं एमिरेट्स एयरलाइंस पे, यहां से जाके दुबई से होते हुए आप सीधे कायरो पहुंच सकते हैं। ज्यादातर फ्लाइट्स कनेक्टिविटी ऑफर करती हैं, वो है कायरो की कनेक्टिविटी। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो ये है दोस्तों, जो कि आपको सिर्फ एट द मोमेंट कतर में मिल सकता है। आपको अपनी आइटनरी में कायरो, लक्सर, असवान तीनों जगहों पर जाना ही है। जब आप पहुंचते कायरो हैं और कायरो से पहुंचने के बाद आपको अगर रिटर्न भी कायरो से करना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपको ऐसी फ्लाइट मिल जाती है जो कि कतर एयरवेज में मिलती है, कि आप अराइवल अपना कायरो में कर सकते हैं और अपना नीचे क्रूज खत्म करने के बाद में आप लक्सर से ही रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्ट। ये बेस्ट केस सिनेरियो है दोस्तों। जब आप वहां पे पहुंचेंगे, आप वहां पे रहेंगे कहां? दोस्तों अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं कायरो और गीजा से, आप जब कायरो पहुंचेंगे आप कायरो भी रह सकते हैं। ये एक वहां का कैपिटल है, एक बहुत ही पुराना शहर है दोस्तों। अगर आप वहां के कल्चर को समझना चाहते हैं, ये एक ह्यूज सिटी है जो कहते हैं कि 24 आवर्स कभी सोता नहीं है। आप यहां पे भी रह सकते हैं और इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहां पे रहना कैसा है, साइटसिंग में आप दोनों सिटीज की साइटसिंग करते हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन अगर आपको ये मौका मिलता है कि आप अगर गीजा में रहें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है दोस्तों, बिकॉज गीजा भी एक बहुत ही टूरिस्टिक शहर है जहां पे सारे टूरिस्ट, बिकॉज 3 पिरामिड्स हैं जो गीजा के पिरामिड्स कहलाते हैं, वो गीजा में ही है। स्फिंक्स गीजा में ही है। आपको लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए भी गीजा ही आना पड़ेगा। सो अगर आप गीजा में रहना चाहते हैं, यहां आपको यहां पे बहुत ही अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। कई होटल्स में दोस्तों रूम विद द व्यू ऑफ पिरामिड्स भी मिलता है, अगर आप चाहते हैं इस तरह के रूम्स लेना। अगर आप कायरो रहना चाहते हैं दोस्तों, ऑफ कोर्स यहां पे होटल्स की कमी नहीं है। सिटी सेंटर या इवन एयरपोर्ट के पास में आपको हर कैटेगरी के होटल्स मिल जाएंगे। दोस्तों अब आते हैं लक्सर और असवान। आप लक्सर और असवान जब पहुंचते हैं दोस्तों, आप यहां पे होटल में नहीं रहते हैं। जो सबसे खूबसूरत पार्ट है इजिप्ट की आइटनरी का, उस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है। जब आप असवान और लक्सर के बीच में ट्रैवल करते हैं, आप यहां पे क्रूज में रहते हैं। ये 3 नाइट्स 4 डेज के क्रूज होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन
मिनिमम 3 nights 4 days के क्रूज होते हैं जो कि लक्सर से असवान या असवान से लक्सर में सेल करते हैं। इनको हम लग्जरी क्रूज लाइन नहीं कह सकते हैं दोस्तों, जैसे कि स्टार क्रूजेस है या फिर नॉर्वेजियन क्रूज लाइन है या फिर कैरेबियन क्रूज लाइन है, हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, बट ये बहुत ही अच्छे क्रूजेस होते हैं, नीट एंड क्लीन, गुड केबिन्स विद लॉट ऑफ कैटेगरीज इन केबिन्स, डेक होते हैं इसमें, स्विमिंग पूल होता है, डाइनिंग एरिया होता है, रिसेप्शन एरिया होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये नाइल रिवर पे ही होता है और शहर के और वहां लक्सर और असवान के बीच के जितने अट्रैक्शंस हैं उसके बिल्कुल साथ में होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है जो कि हर पर्यटक को करना बहुत जरूरी है, और 99.9% पर्यटक जो है जब वो इजिप्ट की यात्रा करते हैं तो वो ये एक्सपीरियंस लेते जरूर है नाइल क्रूज में रहने का। दोस्तों इजिप्ट एज ए डेस्टिनेशन जो है सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बीच में अपनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन, वहां के टेंपल्स, वहां के पिरामिड्स, वहां के स्फिंक्स, वहां के खाना, वहां के कल्चर, म्यूजियम्स, इन सारी वजहों से बहुत ही मशहूर डेस्टिनेशन है पूरे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बीच में। यहां पे भारतीय तो फिर भी कम ट्रैवल करते हैं दोस्तों, जब आप यहां पे अट्रैक्शंस में पहुंचेंगे तो आपको दसियों कोचेस जो है किसी भी वक्त आपको मिल जाएंगे, जो जर्मन ट्रैवलर्स हैं, फ्रेंच हैं, इंग्लिश ट्रैवलर्स हैं, यूएस से जो टूरिस्ट आते हैं, उन सबकी बड़ी तादाद वहां पे मौजूद मिलेगी आपको। दोस्तों ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो है और भारतीयों के हिसाब से भी जो यहां पे सबसे जाने का जो बेस्ट टाइम टू ट्रैवल है इजिप्ट में वो है अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का महीना। आपको महीनों से भी अंदाजा लग गया होगा दोस्तों कि ये ठंड के मौसम है, लेकिन वहां पे बहुत ठंड नहीं होती, लेकिन इट्स अ गुड टाइम टू ट्रैवल वहां पे क्योंकि बहुत ही प्लेजेंट मौसम और सनी होता है, जिसमें कि आप सारे अट्रैक्शंस और वहां पे जो घूमना फिरना है, साइट सीइंग या शॉपिंग, वो सब आप आसानी से कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टे इन इजिप्ट। दोस्तों जब हम हॉलीडे पैकेजेस की बात करते हैं सो उसमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हॉलीडे पैकेजेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं बाकी उन जगहों से जहां पे आप अभी तक ट्रैवल करते आए हैं। इजिप्ट के हॉलीडे पैकेज में सर्विस स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो मच मच हायर होते हैं कंपेयर टू द डेस्टिनेशंस जो हम रेगुलरली विजिट करते हैं। यहाँ पे एक गाइड जो होता है, चाहे आप 2 पैसेंजर हो चाहे 2000 पैसेंजर हो आपके ग्रुप में, आपका गाइड जो है आप अराइवल से लेके जब आप एयरपोर्ट में अराइवल होता है आपका और जब तक आपकी आइटनरी नहीं खत्म हो जाती, सारी साइट सीइंग, सारे अट्रैक्शन, सारे चेक इन, एयरलाइंस और ट्रेन, सारी एक्टिविटीज के दौरान आपका गाइड आपके साथ में होता है, बिकॉज इसका रहना जरूरी भी है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू है, यहाँ अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है जिसकी वजह से आपको एक इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर आपके साथ में पूरे वक्त होना जरूरी है। दोस्तों इसकी पैकेज कॉस्ट जो होती है वो कहीं भी 75,000 से 85,000 के बीच में बड़ी आसानी से हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ योर ट्रैवल एंड द काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर टेकिंग। दोस्तों अब आते हैं इसकी आइटनरी पे। जब आप वहां पहुंचते हैं दोस्तों, पहला दिन आपका जो होता है जो मेनली अराइवल में निकल जाता है, एक लंबी फ्लाइट के बाद आप वहां पहुंचते हैं, और आप पहुंचने के बाद में आपका अराइवल ट्रांसफर होगा, आप सीधे अपने कायरो के होटल या गीजा के होटल जहां पे भी आपने चूज किया होगा आप वहां चले जाएंगे और यहां पे पहला दिन आपका रेस्ट में निकलेगा। नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोस्तों यहां पे आप लोग ऑलमोस्ट गीजा के सारे अट्रैक्शंस और कायरो के सारे अट्रैक्शंस कवर करेंगे, हो सकता है कुछ अट्रैक्शंस जो है वो अगले दिन कवर हो, जैसे सिटी टूर करना है जिसमें कि आपके गीजा के पिरामिड्स और वहां का स्फिंक्स ये आप देखते हैं। अगर आप चाहें दोस्तों तो गीजा में जो पिरामिड्स हैं उसके अंदर तक भी जा सकते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है बट आप वहां पे पॉसिबल है कि आप उसके अंदर तक जा पाए। उसके बाद दोस्तों आप कायरो आते हैं, कायरो में आपका सिटी टूर होता है, सिटी टूर के बाद में वापस आप गीजा आएंगे शाम में, बिकॉज यहां पे आप लाइट एंड साउंड शो देखना बहुत जरूरी है जो कि शाम के वक्त ही होता है स्फिंक्स पे। उसका नेक्स्ट डे जो है कायरो में दोस्तों आप वहां पे खाने खलीली मार्केट, वहां के सिटाडेल, वहां पे और तमाम जो अट्रैक्शंस हैं वहां जो आप कवर कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे। थर्ड डे में साइट सीइंग करने के बाद में कायरो के लोग ओवरनाइट ट्रेन लेना पसंद करते हैं जो अपना बजट लो रखना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रेन होती हैं दोस्तों, इसके केबिन्स होते हैं ऐसे जिसमें कि सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं या 4 लोग रह सकते हैं, और ये केबिन्स की बुकिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। ये ओवरनाइट ट्रेन्स होती हैं जो आपको कायरो से लेके, जो कि रात के 8 बजे के आसपास कायरो से चलेंगी, और कायरो से लेके आपको लक्सर होते हुए और असवान तक पहुंचा देती हैं। असवान में आपका अराइवल जो होता है वो मॉर्निंग में अराइवल होता है, इस ट्रेन में आपको डिनर और सुबह ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है। चौथे दिन में जब आप लेट्स से ट्रेन को लेने के बाद में जब आप असवान पहुंचते हैं, ट्रेन से उतरने के बाद आपका सीधे चेक इन होता है आपके क्रूज पे। इसके बाद क्रूज में आप लगातार 4th डे, 5th डे और 6th डे लगातार क्रूज में रहते हैं, और ये क्रूज जो है आपका
असवान से लेके टूवर्ड्स लक्सर सेल करता है। और सिर्फ ये सेलिंग नहीं होती है दोस्तों, बिकॉज असवान से लेके असवान की साइट सीइंग पहले होती है, असवान और लक्सर के बीच में इसमें तमाम और अट्रैक्शंस आते हैं रास्ते में, जो कि आपको जैसे जैसे क्रूज ड्यूरिंग द डे रुकता है और उसके बाद में वहां पे आपकी साइट सीइंग होती है। लक्सर में पहुंचने के बाद में यहाँ पे डिसएम्बार्क करते हैं आप क्रूज से। लक्सर में चेकआउट करने के बाद में या तो आप डायरेक्टली वहां से लक्सर से फ्लाइट अगर आपकी बुक्ड है तो आप वाया दोहा होते हुए अपने इंडिया के किसी भी सिटी में वापस आ सकते हैं, या फिर आप कायरो जा सकते हैं और कायरो में एक और दिन स्पेंड करने के बाद में नेक्स्ट डे आप अपनी फ्लाइट ले सकते हैं कायरो से रिटर्न की टूवर्ड्स इंडिया। तो दोस्तों ऐसी दिखती है आपकी आइटनरी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है दोस्तों। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम लोग उनका जल्दी से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कभी भी किसी तरह की हेल्प चाहिए अपनी प्लानिंग में, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपकी किसी भी तरह से हेल्प करने में। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे तमाम उन कंट्रीज के जहां भारतीय पर्यटकों को जाना सबसे ज्यादा पसंद है, उनके अपडेट्स या कोई नए वीडियोज हम लोग लेके आएंगे, हमें आप तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।